कक्षा 8 गणित। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को क्षेत्र मिति 1 की प्रश्नावली 14.4 कराने जा रहा हूं। चलिए इस प्रश्नावली में देखते हैं प्रश्न कैसे हैं। ये उदाहरण नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें अधिकतर प्रश्न जो हैं इस सूत्र पे लगेंगे, आयताकार पथ का क्षेत्रफल। पथ मतलब ये चारों ओर दिखाई दे रहा है आपको पथ बना हुआ, ये इसका क्षेत्रफल जो होता है वो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। यानी दो आयत इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े वाले आयत में से क्षेत्रफल में से दूसरे वाले यानी छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं ये उदाहरण नंबर 10 क्या है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 90 मीटर चौड़ाई 65 मीटर, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें सूत्र हम अधिकतर ऊपर वाला ही लगाएंगे, तो यहां लिखते हैं हम आयताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। चलिए निकाल लेते हैं। देखो बड़ा आयत क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले की जो लंबाई दे रखी है वो इधर दे रखी है, देखो 90 मीटर, ये 90 मीटर। इसमें 5 यहां से बढ़ गया ये वाला और 5 ही यहां से बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के ये 100 हो जाएगा। ये लंबाई इसकी 100 मीटर हो गई। ऐसी चौड़ाई देखो तो अंदर वाले की 65 है ये वाली, ये जो चौड़ाई दी हुई थी ये 65 मीटर दी हुई है। अब 5 इधर से बढ़ गया और 5 इधर बढ़ गया, तो बढ़ करके ये 75 हो जाएगा। तो ये पूरी यहां से यहां तक ये दिखाई दे रही है आपको 75, तो ये वाली जो लंबाई है ये आपकी 75 मीटर हो गई। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो बड़े आयत के चरण उसमें क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई कितनी हो गई 100 हो गई और चौड़ाई इसकी 75 हो गई। माइनस छोटे वाले में देखो क्या है, ये 90 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी हो गई है 65। अब जरा जोड़ लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, माइनस इसके 9 5 45 एक जीरो भी रहेगा, और 5 7 4 और 9 6 54 और 4 ये, तो ये हो जाएगा 58। अब इसको जरा घटा दीजिए, ये 75 100 में से कितना घटाना है 5850, घटा दीजिए जरा कितना बचता है, जीरो का जीरो ही हो जाएगा। और 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 14 14 में से 8 गए 6, यहाँ बच गया 7 में से 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1650 वर्ग मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न एक और दिया हुआ है, एक दीवार की लंबाई ये है 15.5 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी दी है 9 मीटर दी है। इसमें 3 × 1.5 मीटर के 2 दरवाजे लगे हैं और 2 खिड़कियां लगी हैं, तो दर दर की 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने यानी पुताई करने का खर्च बताना है। तो सबसे पहले जो आवश्यक क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा, आवश्यक क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे, तो दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल माइनस 2 × दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस 2 × खिड़की का क्षेत्रफल। चलिए दीवार का क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। ये दिया है 15.5 मीटर लंबाई है इसकी, तो 15.5 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा, गुणा 9, तो ये आ जाएगा दीवार का क्षेत्रफल। माइनस है 2 × दरवाजा था, 2 दरवाजे थे, 2 × 1 मीटर का, नहीं देखो 3 × 1.5, तो यहां लिखेंगे 3 × 1.5 माइनस 2 दरवाजे थे किसके, खिड़की के, 2 खिड़कियां लगी हैं, देखो खिड़कियों की माप दी है 2 × 1 मीटर, तो यहां 2 × 1 मीटर हो जाएगा। चलिए सही करिए इसको, तो 9 5 45 को 5 हासिल 4, फिर 9 5 45
और 4 49 और हासिल कितना बचा 4 9 एकम 9 और 9 4 13 माइनस तो 2 3 6 हो जाएगा 6 5 30 दशमलव और 6 एकम 6 और 3 9 माइनस 2 दुनी 4 तो यहाँ 4 आ जाएगा तो ये आ गया 139.5 माइनस 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। चलिए 13 इसमें से कम कर दीजिए कितना जाएगा 0.5 तो ऐसे ही रहेगा और 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा और यहाँ बचा 3 3 में से 1 गया 2 बच जाएगा और ये 126.5 वर्ग मीटर आ गया। दर दी हुई है कितने दर दी है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च बराबर होगा क्षेत्रफल गुणा दर। क्षेत्रफल आया है 126 यानी कि 126.5 और दर जो थी वो 5 थी, इतने रुपए आ जाएगा। गुणा कर लीजिए 5 बजे 25 और 5 अंक 30 और 2 32 5 दूनी 10 और 3 13 5 एकम 5 और 1 6 632.50 रुपए ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं आप। अब आ जाइए उदाहरण नंबर 12 पर। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ 35 मीटर व 24 मीटर, इसके बीचों बीच एक लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समांतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेते हैं लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। देखो लंबाई के समांतर जो है 35 मीटर तो लंबाई है इसकी और चौड़ाई इसकी 2 मीटर है, ये 2 मीटर दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो 35 गुणा 2 यानी कि 70 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब लेते हैं चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चौड़ाई के समांतर तो 24 है और इसकी चौड़ाई 1 मीटर, ये दिखाई दे 1 मीटर, तो गुणा 1 कर देंगे बराबर 24 वर्ग। अब निकालेंगे छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग ये वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा है छायांकित भाग, इसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर हो जाएगी, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते के क्षेत्रफल में 70 तो 1 था लंबाई के, फिर चौड़ाई के इसमें था 24, लेकिन ये 2 जो है कॉमन था, ये दोनों में से घट जाएगा, तो देखते हैं कितना हो जाएगा ये। ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 4 माइनस 2, ये हो गया 92 यानी 92 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्नावली 14.4, प्रश्न नंबर 1। एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के चारों, ये जो है ये है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है ये, चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, यहां से भी 2 सेंटीमीटर है, तो 25 में 4 जुड़ जाएगा तो कुल मिलाकर के ये 29 सेंटीमीटर हो जाएगी बाहरी। ऐसी लंबाई देखो ये 2 सेंटीमीटर है, इधर से ये 2 बढ़ गई, ये 2 बढ़ गई यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो ये 4 बढ़ गई और कुल मिला के 10 था, तो कुल मिलाकर के बाहर वाली ये 14 हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर।
तो हम निकालना है पट्टी का क्षेत्रफल, तो यहां पट्टी का क्षेत्रफल ले रहे हैं, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, बाहरी आयत में कितना आ जाएगा, 29 गुणा 14 हो जाएगा, माइनस भीतरी वाला है 25 गुणा 10। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके देखते हैं पहले कितने की, 29 की 14 से गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 3 हासिल हो गया, 4 चार नौ 36 4 3 12 और 3 15, फिर ये 1 की गुणा कर दीजिए, 9 और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 और 5 14, 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 446 और माइनस का ही कितना हो जाएगा 250, तो घटा दीजिए, 446 में से 250 घटाना है, तो 4 6 में से 6 का 6 ही रह जाएगा, यहाँ बचा 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 3 3 में से 2 गया 1 बच गया, ये बच जाएगा 196। कितने वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा, अब क्या होता है आगे, प्रश्न नंबर 2, एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर गुणा 25 मीटर की माप का है, तो ये इसकी लंबाई 35 मीटर हो गई और चौड़ाई जो है ये 25 मीटर हो गई। चलिए इसको बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर, मतलब ये तो है आपका 3 मीटर चौड़ा और ये जो है आपका कितना दिया है 2 मीटर चौड़ा रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और गुणा 3 हो जाएगा, ये हो गया 35 गुणा 3, कितने इसकी गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 3 9 और 1 10, कितने वर्ग मीटर। अब लेते हैं चौड़ाई, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, ये देखो चौड़ाई के समांतर कितना है 25 मीटर, तो चौड़ा लंबाई हो गई इसकी और 2 मीटर चौड़ाई हो गई, तो 24 गुनी हो गया 48 वर्ग मीटर। अब इसमें ये जो है कुछ छायांकित भाग ले लेते हैं, ये इतना सा छायांकित भाग, यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्र कितना हो जाएगा इसका, 3 गुणा 2 बराबर 6 वर्ग मीटर। अब यहां केवल लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पहले तो 105 था, फिर ये 48 और हो गया, इसमें से 6 जो है उभयनिष्ठ वाला था वो कम हो जाएगा, तो 8 और 5 13 हो गया, 4 और 1 5 हो गया और यहाँ 153 माइनस 6, अब घटा दीजिए 13 में से 6 गए 7 और यहाँ बच गया 4 और ये 147 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर, पहले इसको लिख लेते हैं, ये 28 मीटर है और ये 15 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है ये बनाया हुआ, ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर इधर से भी बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर के 10 मीटर हो गया, तो 25 और ये 15 और 10 हो जाएगा 25 मीटर, ये 25 मीटर हो गया। ऐसी देखो ये 2 मीटर है, 2 नहीं 5 मीटर है बच्चों, और इधर से भी 5 मीटर है, कुल मिलाकर के ये हो गया 10 और यहाँ 28 पहले, तो 28 और 10 कितना हो गया 38 मीटर हो गया। तो यहाँ पहले निकालेंगे दीर्घा का क्षेत्रफल,
बड़े आयत का क्षेत्रफल, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत में देखिए जो बाहर है, तो बाहर जो है 38 गुणा 25 हो जाएगा, माइनस छोटे वाले में जो भीतर है 28 गुणा 15 हो जाएगा। चलिए देखिए इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो पहले 38 की 25 से गुणा करके देख लेते हैं, 5 8 40 हासिल 4, और 5 3 15 और 4 हो गया 19, फिर यहाँ से 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7 कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, और 7 और 1 8 और 1 ये 9, 950 रुपये। माइनस इसकी गुणा कर दीजिए, तो ये है 28 की गुणा 15 से करनी है, 5 8 40 हासिल 4 हो गया, 5 2 10 और 4 14, फिर 1 से करेंगे तो यहाँ 28 रहेगा जुगा, तुम तो ये आ जाएगा 0, 8 4 12, 3 और 1 4, तो 420 आ गया। 420 अब 950 में से 420 घटा दीजिए, 950 माइनस 420 तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा, तो 530 वर्ग मीटर। दर दी हुई है, दर कितना दिया है, ये दिया हुआ है 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कुल खर्च निकल जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, दिया जाएगा दीर्घा का क्षेत्रफल और गुणा दर। दीर्घा का क्षेत्रफल कितना है, 530 है, और दर जो है 5.25 है। अब इसकी गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करके कितना आता है देखते हैं अभी। अब ये जो हो जाएगा कितना, 2782.50 रुपए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्नावली में 3 ही प्रश्न थे, तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और कम से कम 1 लाइक तो बनता है मेरे वीडियो को, तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।